रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जस्ट एक क्वांटम नंबर पढ़ा था, वो एन है। और सिर्फ एक क्वांटम नंबर नहीं होता, और भी बहुत सारे क्वांटम नंबर्स होते हैं। बेसिकली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक उनका एंगुलर मोमेंटम होता है। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, तो उसके पास दो तरह के मोमेंटम होते हैं। एक तो एंगुलर मोमेंटम, या और जिसको हम एंगुलर मोमेंटम की टू टाइप्स होती होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा ये कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही एक्सिस से स्पिनिंग भी कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन हैज़ टू मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटम नंबर होता है। सिमिलरली एज इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग इन द न्यूक्लियस, सो इट प्रोड्यूस सम मैग्नेटिज्म। एंड चूँकि दो तरह की मोशन है इलेक्ट्रॉन की, एक है ऑर्बिटल मोशन, दूसरी है स्पिन मोशन, तो दो तरह के मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होंगे। एक होगा स्पिन मैग्नेटिज्म, एक होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म। तो इन दो तरह के मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं। इस तरह से मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है, फर्स्ट स्टेट में है, एन इज़ इक्वल टू वन शेल में है, सेकंड स्टेट में है, एन इज़ इक्वल टू टू शेल में है, ठीक है। तो उन स्टेट्स को शो करने के लिए भी हमारे पास क्वांटम नंबर है, जो कि एन है। तो ऐसा कहने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होते हैं, और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिज्म, जिसमें दो तरह के मैग्नेटिज्म आ जाते हैं, स्पिन एंड ऑर्बिटल, और उनकी स्टेट्स वगैरह। तो इन चीज़ों को, इन प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली फोर क्वांटम नंबर्स हैं इन टोटल। जो पहला है वो है, उसको हम एन कहते हैं, और ये आपको स्टेट शो करता है। एन इज़ इक्वल टू वन है, तो उसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेट है। एन इज़ इक्वल टू टू है, तो उसका मतलब है सेकेंड स्टेट है। और जो बाकी जो क्वांटम नंबर्स हैं वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के हैं, वो सिंपल नहीं है इतने। तो इसमें एक प्रिंसिपल एन को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है, उसका नाम है। इस तरह से एक और क्वांटम नंबर है जिसको हम एल कहते हैं, और उसका नाम क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एल इज़ एक्चुअली शोइंग यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन चूँकि मूव कर रहा है, तो दो तरह के मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। एक है ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म, और दूसरा है स्पिन मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये एम इज़ फॉर मैग्नेटिज्म, ओके। सो एल मतलब कि ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म और स्पिन मैग्नेटिज्म। सो एम एल को हम क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एम एस का क्या नाम है, स्पिन क्वांटम नंबर। एन का क्या नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल का क्या नाम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो दीज आर द फोर क्वांटम नंबर्स। जिस तरह से एन की हमारे पास वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, इसी तरह से इन बाकी तमाम क्वांटम नंबर्स की भी वैल्यू होती है, जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी प्रॉपर्टीज़, इनर्जी, शेप ऑफ ऑर्बिट। आपको पता है कि ऑर्बिटल सर्कुलर नहीं होते, पहला ऑर्बिट सर्कल होता है, दूसरा ऑर्बिट ऐसे डंबल शेप का होता है, तीसरा ऑर्बिट जो है वो थ्री डायमेंशन में होता है। हमने इस तरह के ऑर्बिट्स पढ़े ना, जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ऑर्बिट्स की शेप कुछ इस तरह से होती है। थोड़ा सा मैं क्लियरली ड्रॉ कर देती हूँ। जो पहला ऑर्बिट होता है उसकी शेप इस तरह से, जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसकी शेप इस तरह से, जो थर्ड ऑर्बिट होता है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, इस तरह के ऑर्बिट्स होते हैं ना। तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑर्बिट को कहते हैं, ओरिएंटेशन इन स्पेस के वो किस तरह से ओरिएंटेड है, जैसे ये जेड एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो इन ये सब चीज़ें, इनर्जी, शेप, मतलब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रॉन के। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्वांटम नंबर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल, ये तो बहुत आसान है, इसको मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस भी किया हुआ है। मतलब हर एक जो ऑर्बिट होता है उसकी पार्टिकुलर इनर्जी होती है, और हर एक ऑर्बिट को एक पार्टिकुलर क्वांटम नंबर दिया जाता है, और ये है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जो एन इज़ इक्वल टू, हमारे पास के एल एम एन शेल्स होते हैं, के लिए एन वन होगा, एल शेल के लिए एन टू होगा, एम शेल के लिए एन थ्री होगा, इस तरह से। अच्छा, ये तो बहुत ईजी है। अब हम अगला पढ़ते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर।
अच्छा, जो एंगुलर मोमेंटम है ना इलेक्ट्रॉन का, जो वो मूव कर रहा है, तो वो डबली क्वांटाइज्ड है। डबली मीन्स के डबल चीज़ों में क्वांटाइज्ड है। एक चीज़ कौन सी, मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड में भी क्वांटाइजेशन है और उसकी, चूँकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो उसकी डायरेक्शन में भी क्वांटाइजेशन है। तो जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम टू इन डायरेक्शन ऑफ आई यूनिट वेक्टर, सपोज इस तरह से लिखते हैं, जो मैग्नीट्यूड है ना किसी भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, उसको हम एल से शो करते हैं, ठीक है। द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज़ यूज टू डिस्क्राइब, मैग्नीट्यूड को हम एल से शो करते हैं, और एजीमुथल क्वांटम नंबर का मकसद क्या हो, जैसे हमें एन यहाँ पे स्टेट्स ऑफ द शेल शो करता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या शो करता है, शेप ऑफ द शेल शो करता है, ठीक है, कि शेप किस तरह की है। जैसे ये स्फेरिकल शेप है, ये डंबल शेप है, जितना आप आगे चलते जाओगे, मतलब एन इज इक्वल, जितना आप आगे चलते जाओगे वो शेप्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि एन की वैल्यू वन से इन्फिनिटी तक थी, इसी तरह से एल की जो वैल्यू है ना वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ज़ीरो से एन माइनस वन तक होगी। एज अ मुथल क्वांटम, अगेन वही बात रिपीट कर रहा है कि ये जो है वो शेप पे डिपेंड करता है, कि शेप शेल की स्फेरिकल है, डंबल है, किस तरह की शेप है, इस तरह की शेप को डंबल शेप कहते हैं, ठीक है जी। तो ऑर्बिटल इज कॉल्ड इस तरह से द ऑर्बिटल। अच्छा जी, अब हमें ये भी पता है कि इन शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन सब शेल्स को, जैसे कि एल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ज़ीरो से है, तो अगर एल इज़ इक्वल टू जो, तो एस ऑर्बिटल है। अगर एल इज़ इक्वल टू वन है तो वो पी ऑर्बिटल है। अगर एस इज़ इक्वल टू टू है तो एस पी डी सब ऑर्बिटल है। मतलब कि ये सब शेल्स को भी शो करता है, ठीक है। एक हमें ये शेप के बारे में बताता है, और एक ही हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, कि हम अगर एल की वैल्यू ज़ीरो है तो उसका मतलब है हम एस सब शेल को स्टडी करें, अगर एल की वैल्यू वन है तो उसका मतलब हम पी सब शेल को स्टडी करें। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये आपको दो चीज़ों के बारे में बता रहा है, एक तो शेप और दूसरा सब शेल। मतलब कि एल शेप मीन्स कि अगर एल की वैल्यू ज़ीरो है तो मतलब स्फेरिकल सब शेल है, अगर एल की वैल्यू वन है तो इसका मतलब डंबल सब शेल है, ठीक है। एक शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, उन सब शेल्स को एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू शो किया जाता है, और एल और एन जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर हमें एन की वैल्यू दी हुई तो हम एल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें, सपोज़ अब एल का जो फार्मूला होता है ना वो ये होता है, एल इज़ इक्वल टू एन माइनस वन। अगर एन वन होगा तो एल की क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो होगी, मतलब कि हम एस सब शेल में हैं। और ये बात याद रखें कि एन की अगर वैल्यू वन है तो वन माइनस ज़ीरो तो आ गया, तो ज़ीरो एक नंबर है, ठीक। और जो अगर हम एन को अगर हम टू रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू, तो एल इज़ इक्वल टू, मतलब एल की वैल्यू वन तक जाएगी। कहाँ से एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ज़ीरो एंड वन, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड जो शेल होता है उसमें दो सब शेल्स होते हैं, एक होता है एस, दूसरा होता है पी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एन इज़ इक्वल टू थ्री शेल में हैं तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो एल की वैल्यू टू आएगी, मतलब आपने मैक्सिमम टू तक जाना है। अगर एन की वैल्यू थ्री है तो यहाँ पर एल की तीन वैल्यूज़ होनी चाहिए, ज़ीरो वन एंड टू, ठीक है। तो मतलब हमें पता है कि तीसरा जो शेल होता है उसमें तीन सब शेल्स होते हैं, एस पी एंड डी, क्लियर है बात। अगर एन इज़ इक्वल टू टू है तो एल की वैल्यू दो नंबर्स होने चाहिए, ज़ीरो एंड वन, और एल इज़ इक्वल टू वन है तो एल की वैल्यू एक नंबर होना चाहिए, दैट इज़ वन, ठीक है। तो अगर एन आपको दिया हुआ हो और आपको कहा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल, तो आपने यहाँ पर यह फार्मूला में पुट करके आंसर ले आना है, ठीक है। फिर मैंने चूँकि आपको यहाँ पे बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो डबली क्वांटाइज्ड है, मतलब क्वांटाइजेशन है मैग्नीट्यूड में, जिसको हम एल से शो करते हैं, और दूसरी क्वांटाइजेशन है डायरेक्शन में, जिसको हम एम एल से शो करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल से शो करते हैं, और एम एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। और आप इसका जो फार्मूला है ना, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का क्या फार्मूला होगा, प्लस माइनस एल, मतलब अगर एल वन है तो एम एल की क्या वैल्यूज़ होंगी, प्लस माइनस वन, ठीक है। प्लस माइनस वन का मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी वन होगी और बीच में ज़ीरो, और फिर मिनिमम माइनस वन, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर सपोज एम एल की वैल्यू, एल की वैल्यू टू, तो यहाँ पे एम एल की वैल्यू प्लस माइनस टू, तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे प्लस टू, प्लस वन, ज़ीरो, फिर यहाँ पे माइनस वन और माइनस टू, ये जो है ना वो है कॉमन। तो आपके पास अगर एल की वैल्यू टू है तो एम एल की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, मैक्सिमम, मिनिमम, और बीच में आप ये वन और माइनस वन ये लिख सकते हैं, क्योंकि टू के बाद वन आता है सिमिलरली अगर आप नीचे वाले ऑर्डर में चले जाएं। तो सिंपल इज दैट कि एल इज शोइंग यू द क्वांटाइजेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड एम एल इज शोइंग यू क्वांटाइजेशन इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसका फार्मूला जो है वो भी डिफरेंट है।
और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, जो हमें ये शो करता है, देखो या तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन करेगा या इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन करेगा, इसकी दो डायरेक्शन होगी। सो इसके सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, एम एस की जो हैं वो सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ प्लस माइनस वन, एक डायरेक्शन प्लस है दूसरी डायरेक्शन माइनस है, मतलब इस तरफ प्लस ले लें इस तरफ माइनस ले लें। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज़ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करने के लिए चार क्वांटम नंबर हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करने के लिए चार क्वांटम नंबर हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन दोनों के क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि n इज इक्वल टू वन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि अगर ये फर्स्ट